हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बिना ओवन के डार्क चॉकलेट केक बनाना बताऊंगी। तो आइए हम केक बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक हम स्टील का बाउल ले लेंगे, जो भी आपके पास हो, कांच का हो तो कांच का भी आप ले सकते हैं। मेरे पास स्टील का है तो हमने इसको लिया है। तो ये देखिए, ये मैदा है, ये एक कप मैदा है, हम पूरा इसमें ऐड कर देंगे। तो मैदा मेरा ऐड हो चुका है। अभी ये देखिए, ये कोको पाउडर है, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। ये आधा कप है, शुगर है, ये शुगर आप मीठा आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। मैं पूरा नहीं ऐड करूँगी इसमें, थोड़ा सा बचा लूँगी। अब इसको अच्छे से पूरा पहले मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई मतलब कहीं से कुछ लम्स ना रह जाए, इसलिए इसको हम अच्छे से पहले सूखा ही मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लीजिए, कोको पाउडर भी मिक्स हो जाएगा। अब इसमें हम नमक ऐड कर देंगे, बहुत थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। इसमें हम बेकिंग पाउडर ऐड कर रहे हैं, ये भी देखिए एक चौथाई चम्मच है ये। अब इसमें सोडा है, ये भी एक चौथाई चम्मच है, हम इसको पूरा ऐड कर देंगे। विनेगर एक चम्मच, छोटा चम्मच है ये। अब इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे, ऑयल हमने ज़्यादा लिया है पर हम पूरा नहीं ऐड करेंगे, ये चार चम्मच है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें देखिए, अभी हम पानी ऐड करेंगे। तो ये पानी हमने हल्का सा गुनगुना पानी लिया है, इसमें ठंडा पानी नहीं ऐड करेंगे, पानी थोड़ा। तो ये देखिए, हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतना अच्छा इसको मिक्स करेंगे कि इसमें कोई लम्स ना रहे। पानी पहले आप थोड़ा थोड़ा ही ऐड करिएगा, नहीं तो पानी ज़्यादा हो जाएगा तो आपका बैटर केक पतला हो जाएगा, फिर ये अच्छा नहीं बनेगा। तो ये देखिए, हम इसको थोड़ी देर तक फेंटते रहेंगे जब तक ये खूब सॉफ्ट और अच्छा बैटर। ये देखिए, मेरा बढ़िया बैटर तैयार हो गया है, कितना सॉफ्ट बना है ये। अब हम एक केक टिन ले लेंगे, इसको हम ऑयल से पूरा ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास जो है घी लगाना चाहते हैं तो घी लगाइए, हमने इसमें ऑयल यूज किया है। तो ये देखिए, इसको हम अच्छे से चारों तरफ कर लेंगे। अगर आप अच्छे से नहीं लगाएंगे तो केक जो है सही से नहीं निकलेगा। तो मेरा ये देखिए ग्रीस हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा मैदा केक टिन में नीचे छिड़क देंगे, इसको पूरा अच्छे से टैप टैप कर देंगे। अब इसमें हम ये केक का जो बैटर हमने बनाया है सॉफ्ट, इसमें डाल देंगे। खूब अच्छे से इसको तो ये देखिए, ये पूरा मैंने केक टिन में ऐड कर दिया है। तो हम पहले से ही ये देखिए एक भगोने में नमक नीचे डाल के उस पर जो है स्टैंड लगा दिए थे। पहले से मैंने इसको हीट कर लिया था, नमक को याद रखिएगा, तुरंत मत रखिए, पहले नमक को हीट कर लीजिए, फिर उसमें केक का टिन आप रखिए। अब इसको हम कवर कर देंगे, कवर कर देंगे। अब इसको हम 30 से 40 मिनट तक उसको वैसे छोड़ देंगे। तब तक इधर हम ये देखिए, उसमें मिक्स करने के लिए ये हमने चॉकलेट लिया था, डेरी मिल्क का था ये। आप इसमें डार्क चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं, डेरी मिल्क का भी चॉकलेट ऐड जो आपके पास हो आप ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, हम इसको कटने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप छोटे छोटे पीसेस में इसको तोड़ लीजिए। तो ये देखिए, अभी हम काट रहे हैं इसको, अभी हम तोड़ के भी दिखाएंगे आपको। तो ये देखिए, ये सब पूरा मैंने तोड़ लिया है। ये 5 पैकेट चॉकलेट ली थी मैंने। तो सबसे पहले हम गैस को ऑन कर लेंगे, इस पे पैन रखेंगे। तो ये देखिए, गैस ऑन करके हमने पैन रख दिया है। अब इसमें क्रीम डाल देंगे, ये घर का क्रीम है मैंने लिया। अगर आपके पास अमूल क्रीम है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। इसको ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, अभी देखिएगा पैन में।
इसमें थोड़े से अभी साइड साइड से देखिएगा बबल्स आने लगेंगे, तो हम बंद कर देंगे गैस को। तो ये देखिए बबल्स आना शुरू हो गया है, गैस को हमने बंद करके इसको देखिए नीचे उतार लिया है। इसको अच्छे से चलाएंगे, क्रीम को खूब अच्छे से चला के इसको हम फेंट लेंगे। अब देखिए इसमें हम चॉकलेट को डाल देंगे, पूरा चॉकलेट इसी में ऐड कर देंगे। तो ये देखिए सारा चॉकलेट हमने ऐड कर दिया इसमें। अब इसमें हम ये अमूल का डार्क चॉकलेट सिरप लिया मैंने, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको आप अपने अनुसार ऐड कर सकते हो, जितना कम ज़्यादा आपको ऐड करना हो। तो ये देखिए ये मुश्किल से हम 2 से 3 चम्मच हमने इसको ऐड किया है। इसको अभी हम ऐसे इसमें डाल के छोड़ देंगे, तुरंत इसको हम नहीं मिक्स करेंगे 2 मिनट के लिए। तो ये देखिए 2 मिनट हो चुका है, अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। ये देखिए मिक्सर से हम इसको इतना अच्छा मिक्स करेंगे कि ये खूब बढ़िया सॉफ्ट बैटर बनके तैयार हो जाएगा। ये देखिए इसको आप एक ही साइड में चलाते रहिए। इसको बनाते समय आप ध्यान रखिएगा कि आपको क्रीम को बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है, नहीं तो उसमें से मलाई निकल आएगी, घी जिसको बोलते हैं आप, अगर ऑयल निकल आएगा तो आपका ये अच्छा बैटर नहीं बनेगा। तो इसलिए आप इसको, अब हम चलते हैं इधर केक की तरफ जो हमने इसको बेक होने के लिए रखा था। तो ये देखिए केक मेरा बेक हो चुका है, लेकिन अभी पूरे अच्छे, ये देखिए चाकू मेरी अच्छी तरी साफ साफ निकल रही है, लेकिन अभी इसको हम 5 मिनट के लिए और छोड़ेंगे, 5 मिनट बाद इसको हम फिर चेक करेंगे। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, तो ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम गैस को ऑफ करेंगे। याद रखिएगा इसको बहुत हाई फ्लेम पे नहीं रखेंगे, हाई मीडियम पे रखेंगे इसको हम, नहीं तो आपका केक जल जाएगा और अच्छे से नहीं बेक होगा। तो गैस मेरा बंद हो चुका है, अब इसको हम बहुत सावधानी से निकाल लेंगे। निकालते समय ध्यान दीजिएगा, नहीं तो हाथ आपका जल सकता है, पकड़ से या किसी चिमटे से इसको आप बाहर निकाल लीजिए। तो ये देखिए हमने पकड़ से इसको बाहर निकाल लिया है। अभी इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आप गरम गरम इसको निकालेंगे तो नहीं निकलेगा केक। ये देखिए ये भी मेरा अच्छा बैटर बन चुका है। तो आइए हम इसको देखते हैं, निकालते हैं। केक मेरा हो चुका 5 मिनट, ठंडा हो चुका है। इसको पहले साइड साइड से चाकू ऐसे घुमा लेंगे जिससे आपका केक आसानी से निकल जाए, नहीं तो निकलने में दिक्कत होगी। तो ये देखिए पहले ऐसे करने के बाद इसको टैप टैप कर लेंगे। तो ये देखिए मेरा केक निकल चुका है। तो इसमें हमने ऑयल थोड़ा कम लगाया था, इसलिए देखिए बीच से मेरा थोड़ा सा हल्का सा फटा हुआ दिख रहा है। तो आप जब ऑयल लगाइएगा तो और अच्छे से लगाइएगा। ये देखिए जो मैंने चॉकलेट का वो बनाया था सिरप, वो मेरा तैयार हो चुका है। अब हम इसको ऊपर से डेकोरेट कर लेंगे। ये देखिए कितना गाढ़ा बैटर बना था ये, उसको फ्रिज में रखा था मैंने 5 मिनट के लिए। देखिए अच्छे से फैला दीजिए केक पे पूरा, ये अच्छे से डेकोरेट हो जाएगा। ये देखिए फैल गया। तो ये देखिए मेरा कितना अच्छे से, ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत अच्छा केक बना है ये, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो हमने इसको फ्रिज में रखा था, अब हम फ्रिज से निकाल के इसको डेकोरेट करेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा, अभी ये देखिएगा कितना अच्छा लगेगा ये, को मैंने डेकोरेट कर लिया। अब
इसको हम फ्रिज में 2 घंटे के लिए रख देंगे।